मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को जन आशीर्वाद यात्रा के पांचवें दिन की शुरुआत पानीपत से की। सीएम ने पानीपत जींद रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। ये ओवरब्रिज 23 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। साथ ही सीएम ने 17 करोड़ की लागत से बनने वाले ओवरब्रिज को जनता के सुपुर्द किया। जन आशीर्वाद यात्रा के पांचवें दिन यात्रा बरोदा और गोहाना हलके के कई गांवों में पहुंची। इस दौरान सीएम ने दावा किया कि यहां पहली बार बीजेपी का विधायक बनेगा, क्योंकि बीजेपी ने पूरे प्रदेश में समान काम समान विकास किया है। 25 अगस्त को कैथल की नई अनाज मंडी में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय जोशी मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी और रैली की अध्यक्षता कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायाब सैनी करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा पर जेजेपी नेता ने सवाल उठाए हैं। मुलाना के हलका प्रधान मनदीप बोपाराय ने कहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा तो एक बहाना है, जबकि सीएम 20 फीट ऊंचाई से भाषण देकर जनता को अपने पैरों के नीचे रखने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और हरियाणा प्रभारी अनिल जैन का कहना है कि हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, इस बात पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को प्रदेश में किसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। नवचेतना मंच के संयोजक वशिष्ठ गोयल ने कहा है कि चुनाव लड़ना उनका अकेले का निर्णय नहीं होगा, इसके लिए वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। इसी को लेकर 5 सितंबर को एक बड़ी जनसभा तावडू में आयोजित की जाएगी। इस जनसभा में जो लोगों का निर्णय होगा उसी के बाद चुनाव में उतरने का निर्णय लिया जाएगा। नीलाखेड़ी की स्वाति शर्मा ने सिविल जज परीक्षा में 11वां रैंक हासिल कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक कर दिखाया है। स्वाति मेहनत के दम पर बेटों को पछाड़ कर जज बनी है। स्वाति शर्मा का कहना है कि महिला पुरुष के बीच असमानता को मिटाने के लिए बेटियों का शिक्षित होना जरूरी है। सोहना से अलवर बॉर्डर तक 6 लाइन रोड और ट्रॉमा सेंटर खोले जाने को लेकर नूहू जिले के बड़की चौक पर आंदोलन चल रहा है, क्योंकि दोनों ही वजह से लोगों को परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि जब तक सरकार इसके लिए कोई कदम नहीं उठाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बुधवार शाम रादौर की एक बेकरी में हमला करने वाले बदमाशों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पकड़े गए दोनों युवक गांव बापा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस अब दोनों युवकों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई करेगी। शहर में बाइक चोरी के बाद अब चोर गाड़ियों को भी अपना निशाना बनाने लगे हैं। स्विफ्ट गाड़ी में सवार होकर आए 3 युवक फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पूर्व प्रधान उपेंद्र आनंद के घर के बाहर खड़ी इनोवा गाड़ी को महज 3 मिनट में चुराकर फरार हो गए।